समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबर का, डालते हैं नजर, ये खबर जुड़ी हुई है हादसे से, चलिए देख लेते हैं इस खबर को। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देहरादून बदायूं हाईवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी हुई तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप बिजली के खंभे से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार दो मजदूरों की मौत हो गई है। 18 मजदूरों के घायल होने की खबर आई है। घायल मजदूरों को शिकारपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। सूरत से परमिशन लेकर माल वाहन महिंद्रा पिकअप अप्रवासी मजदूरों को लेकर बिजनौर जा रही थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। बुलंदशहर के जिला अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और जिनकी मौत हो गई है उनके शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। एक और मजदूर को भेजने को लेकर सरकारें भले ही बस की फिटनेस को लेकर राजनीति कर रही हूँ, मगर गुजरात सरकार ने तो माल वाहन इस महिंद्रा पिकअप में ही मजदूरों को सूरत से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की ओर भेज दिया। दरअसल 18 मई को सूरत से 16 प्रवासी मजदूर परमिशन लेकर सापेक्ष 13 मजदूरों को लेकर चली थी ये महिंद्रा पिकअप। बुलंदशहर के आजमगढ़ थाने क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें 18 मजदूरों के घायल होने की खबर है। 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अब स्थानीय अधिकारी इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जी समीन, हाँ समीन, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो कहाँ से आ रहे थे तुम? जी सर, हम सूरत से चले थे 18 तारीख की शाम को। तो 18 तारीख की शाम को चले थे हम, हमारी गाड़ी कल खराब हो गया था, तो हमने गाड़ी बनाया, एक दिन लग गया था उसको। तो हम कल चले रात को 1 बजे, तो सुबह में ये हादसा हो गया हमारे साथ में। 10 बजे के लगभग, 10:30 बजे का टाइम था सर। तो हम लोग सूरत से जिला बिजनौर तहसील नगीना थाना रायपुर सादात रहने वाले चंदन वाला, ठीक है सर, चंदन वाला जा रहे जिला बिजनौर। कितने लोग थे और क्या हुआ हादसे में, किसी को नुकसान हुआ क्या हुआ? सर हम 21-22 जन थे सर, तो उसमें से 2 आदमी हमारे ख़त्म हो गए सर। कुमारजीना घर, गाँव का नाम कुमारजीना घर है सर, और बाकी 5-6 घायल हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? सूरत से। कहाँ जा रहे थे? नगीना बिजनौर। कितने लोग थे तुम? 22 लोग थे। किस चीज़ से जा रहे थे? बिलोरो पिकअप से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? खुद ही पलट गई वो गाड़ी, अपने आप ही पलट गई थी। फास्ट भी नहीं थी और खुद ही पलट गई, पता नहीं जाने। कितने लोगों की चोट आई है? इसमें से ये सबके चोट आई है, कोई ऐसा नहीं है, सबके थोड़ी बहुत सबके आई है। कोई एक्सपायर तो नहीं हुआ? 2 एक्सपायर हो गए हाथ तो हाथ। कौन कौन है वो, कौन लगते हैं तुम्हारे? मतलब हमारे बाजू के गांव के है, वहीं कुमिरदना का है, वहाँ का एक निजामू नाम है, एक लड़का का, एक का नाम का, दूसरे का मुझे मालूम नहीं है। 2-3 लड़के एक्सपायर हो गए, 3 हो चुके हैं, देखे नहीं जल्दी जल्दी में आ गए। ये कोई हताहत हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ? रास्ते में कुछ ने रोका था आपको जब वहाँ से चले थे आप सूरत से, पुलिस वालों ने रोका था? उसे वो दिखा दे दे, पर्चा उसे दिखा दे दे। अच्छा, याद है कुछ कैसे हुआ था एक्सीडेंट? देखिए, हम लोग अभी अहमदगढ़ थाना एरिया में हैं, बुलंदशहर में। कुछ लोग गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहे थे, हायर करके। वो लोग 18 के रात में गुजरात के सूरत से चले थे। जैसा उन लोगों द्वारा बताया गया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, शिवपुरी जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से कल मिडनाइट में वो लोग फिर दूसरी गाड़ी से चले और कंटिन्यूस ड्राइविंग करके आ रहे थे, विथ मिनिमल ब्रेक बीच में लिया था उन लोगों ने। आज यहाँ पर बिजली के खंभे जो टूटे पड़े हैं उससे गाड़ी टकरा गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वो लोग नगीना बिजनौर के थे। 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके डेड बॉडी को हम लोगों ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 लोग थोड़े गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें CHC शिकारपुर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और भी कुछ लोग घायल हैं, लगभग 7 लोग और घायल हैं, उन्हें CHC शिकारपुर में इलाज करवाया जा रहा है। धन्यवाद। तो बड़ा सवाल यही है कि हादसे की जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों भेजे गए माल वाहक में प्रवासी मजदूर?